हर प्रखंड में दो एम्बुलेंस का क्रय किया जाना है। पहली बार बिहार में एम्बुलेंस का किराया निर्धारित किया गया है, तो उस सीमा के अंदर वो किराया लेकर के चलाएगा। एक एम्बुलेंस अनुसूचित जाति या जनजाति के आवेदक के द्वारा किया जाएगा और दूसरा एम्बुलेंस का क्रय अत्यंत पिछड़े वर्ग के आवेदक के द्वारा किया जाएगा। एक एम्बुलेंस के क्रय के लिए 2 लाख रुपये का अनुदान एक आवेदक को दिया जाएगा। राजा रघुवंशी देखते हैं अपन भोजपुरिया चैनल झलको चंपारण। अगर अभी तक चैनल के सब्सक्राइब न करते सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आज बात हुई बिहार के मोतिहारी जिला के अरा अनुमंडल अंतर्गत पहाड़पुर प्रखंड विकास पदाधिकारी आदित्य नारायण दीक्षित जी के अध्यक्षता में कल गई महाबैठक। महाबैठक में समझौता के रूप में लेकर के पहाड़पुर प्रखंड के जितना भी पंचायत बा हरेक पंचायत के विकास मित्र लोग के बैठा करके जौन की बा वहाँ पर बतावल गई कि हरेक प्रखंड में जौन की बा 2 एम्बुलेंस सरकार के द्वारा मिल रहा है। प्रखंड में जौन की बा इस समय एम्बुलेंस के भाड़ा से लेकर के सरकारी एम्बुलेंस के भी जौन की बा कमी हो चुकल बात एकरा के देखते हुए सरकार की अहम फैसला जो नया प्रावधान जोड़ा गया है। हर प्रखंड में 2 एम्बुलेंस का क्रय किया जाना है। एक एम्बुलेंस अनुसूचित जाति या जनजाति के आवेदक के द्वारा किया जाएगा और दूसरा एम्बुलेंस का क्रय अत्यंत पिछड़े वर्ग के आवेदक के द्वारा किया जाएगा। आवेदन करने के लिए अंतिम समय सीमा 16 मई निर्धारित है, जिस 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन करना है। एक एम्बुलेंस के क्रय के लिए 2 लाख रुपये का अनुदान एक आवेदक को दिया जाएगा। ये अभी जो कोरोना महामारी फैली हुई है, इस महामारी से में संक्रमित होने वाले नागरिकों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए इन एम्बुलेंस का उपयोग तत्काल किया जाएगा। इसी के लिए ये आकस्मिकता के आधार पर ये निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा और आगामी 15-20 दिन के अंदर में हमें 2-2 एम्बुलेंस हर ब्लॉक में उपलब्ध करा देना है। सर, अगर पहाड़पुर में अगर कोई मरीज नहीं मिल रहा है सर एम्बुलेंस के लिए, तो अदर जगह चलाया जा सकता है? हाँ हाँ, मान लीजिए पहाड़पुर का कोई मरीज है तो पहाड़पुर का मरीज कहाँ जाएगा? या तो बेतिया जाएगा, अरेराज जाएगा या मोतिहारी जाएगा। तो वहाँ पे जाएगा तो वहाँ से फिर खाली थोड़ी लौटेगा, वहाँ पे तो वहाँ भी पहाड़पुर यार आने वाले लोग होंगे या किसी और जगह जाने वाले लोग होंगे। लेकिन एकदम से यहाँ से अलग हटके कहीं जाके रह के चलाने वाला काम नहीं किया जा सकेगा। मतलब पहाड़पुर में के लिए क्रय किया गया और जाके वो मोतिहारी में चला रहा है या पटना में चला रहा है या बेतिया में चला रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं कर पाएगा। उसको पहाड़पुर बेस्ड होना पड़ेगा। ये जो एम्बुलेंस की व्यवस्था हो रही है तो कोविड तक ही रहेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिस आदमी जो क्रय कर रहा है उसी का एम्बुलेंस होगा। ये सरकारी एम्बुलेंस नहीं है कि मतलब सरकार के द्वारा दिया गया और कोविड का प्रकोप खत्म हुआ या कम हुआ तो फिर वापस ले लिया जाएगा। ये जो आवेदक होगा उसके द्वारा क्रय किया जाएगा और उसकी संपत्ति होगी। क्रय करने के बाद वो अपनी मर्जी से इसको चलाएगा, उस पे सरकार का नियंत्रण किराए की सीमा तक ही होगा। किराया सीमित है, किराया अभी पहली बार बिहार में एम्बुलेंस का किराया निर्धारित किया गया है, तो उस सीमा के अंदर वो किराया लेकर के चलाएगा, बस उतनी ही सीमा है, बाकी कोई उस पे सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। सर, लेने के लिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना होगा? सर, डॉक्यूमेंट्स जो पहले से ग्राम परिवहन योजना में लगते रहा है वही लगेगा। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार। शैक्षणिक योग्यता में ऐसा नहीं है कि उसका शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाती है। अगर आवेदन एक से ज़्यादा आ जाता है तो, अगर जितनी स्थिति है उससे ज़्यादा आवेदन आ जाता है तो वरीयता निर्धारित करने के लिए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाती है। सर, एक प्रखंड में कितना एम्बुलेंस का? सर, 2। एक प्रखंड में 2 एम्बुलेंस, एक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और दूसरा आता है पिछड़ा वर्ग के। आरक्षण जो दिया गया है कि इन जाति के लोग इसको ले सकते हैं, अगर आपके पास वो नहीं मिलते हैं तो क्या कहेंगे उस कंडीशन में? नहीं, उस कंडीशन में तो सीट रिक्त रह जाएगी, खाली रह जाएगी। परिवहन पदाधिकारी अनुराग कौशल सिंह जी के द्वारा जौन की बात समझावल गईल, हरेक विकास मित्र लोग के बात बतावल गईल कि जौन की बा एम्बुलेंस खरीदला पर सरकार के तरफ से 2 लाख रुपया के अनुदान मिल रहा बा और उ जौन की बा एम्बुलेंस जनरल लोग खातिर नहीं के एमए जौन की बा जाति से लेकर के संबंधित रिलेटिव कुछ काम बा जौना में की हरेक जाति के लोग एकरा के खरीद नहीं सकता। ई जौन की एम्बुलेंस के खरीदारी सूचित और अनुसूचित जाति खातिर जौन की बाटे और एकर जौन की बा आवेदन के डेट आवेदन ऑनलाइन चल रहा बा। आवेदन के डेट जौन की बा 16 तारीख तक निर्धारित बा। 16 तारीख तक अपने आवेदन कर सकता नहीं और उमे से 2 आदमी के चयन हो। अगर ज्यादा आदमी आवेदन कर रहा बा 2 आदमी के चयन करके और हरेक प्रखंड में जौन की बा एक गाड़ी के देवे के काम हुई। तो ऐसा ही हमारा चैनल से बना रही और न्यूज के ज्यादा ज्यादा शेयर करी और आगे देखी जी हरेक पंचायत में इस समय एक ऐसा कार जौन की सौंप दहल गई बाटे विकास मित्र लोग के ऊपर जौन की बा एक काम के कुछ ही दिन के अंदर में पूरा करके और हरेक प्रखंड में जौन की बा 2 एम्बुलेंस नीतीश कुमार जी के फैसला अहम
अहम फैसला के देखते हुए इस समय बिहार जौन की बा कोरोना वायरस के महामारी से लड़ रहा बा और कोरोना महामारी में जौन की बा सबसे ज्यादा लोग के जान जा रहा बा, तो वो जान के बचावे खातिर नीतीश कुमार के अहम फैसला था। हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन जरूर दबाई और न्यूज के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।